का स्वागत है। आइए देखते हैं राजनीति का क्या है हाल। मैं इंदिरा गांधी जी के सामने कुछ नहीं, अपनी दादी से तुलना पर प्रियंका गांधी। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने अपनी तुलना दादी व पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से किए जाने पर शुक्रवार को कहा है कि मैं इंदिरा जी के सामने कुछ भी नहीं, लेकिन जो सेवा की भावना है उनके दिल में थी, मेरे दिल में भी है। उन्होंने कहा है कि वही सेवा की भावना मेरे भाई के दिल में है, ये हमारे दिल से कोई नहीं निकाल सकता। साध्वी प्रज्ञा ने 26/11 हमले में शहीद हेमंत करकरे पर दिए जाने पर अपने बयान पर माफी मांगी। भोपाल से बीजेपी उम्मीदवार साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने 26/11 हमलावरों में शहीद हुए हेमंत करकरे पर दिए जाने बयान पर माफी मांग ली है। प्रज्ञा ने कहा है कि उनके इस बयान में देश के दुश्मनों को ताकत मिल रही है, इसलिए वह अपना बयान वापस ले रही है। प्रज्ञा ने कहा कि करकरे निश्चित रूप से शहीद है। राहुल गांधी को गाली देने वाले हिमाचल बीजेपी प्रमुख पर लगा 48 घंटों का चुनाव प्रचार पर बैन। हिमाचल प्रदेश के बीजेपी प्रमुख सतपाल सिंह सत्ती की चुनाव आयोग ने चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन करने पर 48 घंटों के लिए चुनाव प्रचार करने से प्रतिबंधित कर दिया है। यह प्रतिबंध शनिवार सुबह 10 बजे से शुरू हुआ है। दरअसल सतपाल का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वह कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को गाली देते हुए नजर आ रहे थे। कहा था, पीएम बनूंगा तो रोज कांग्रेस का बयान, एक कानून खत्म करूंगा पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को दिल्ली में व्यापारियों से एक सम्मेलन में संबोधित करते हुए कहा है कि जब मैं इस मंच पर 2014 में आया था, तब प्रधानमंत्री पद पर उम्मीदवार था। उन्होंने कहा, मैंने तब तक कहा था कि एक सरकार कांग्रेस है जो अपने बयान नए कानूनों पर बहुत उलझाती है। जब मैं आऊंगा तो प्रतिदिन एक कानून खत्म करूंगा। तो एमएनएस न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए एमएनएस हिंदी ऐप आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। तब तक के लिए धन्यवाद।